हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं KTM RC 125 का 2023 एडिशन, जो BS6 फेज टू में आ गया है। और साथ ही मैं इसका अपडेट भी बता दूंगा कि आपको इसमें फेज टू में क्या क्या अपडेट मिल रहे हैं और क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चेंजेस की बात करें तो इसमें लुक्स में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। इसमें आपको इंजन में कुछ सेंसर वगैरह लगे हुए हैं जो पोल्यूशन नॉर्म्स को कम करेंगे, और इसके अलावा इसमें कुछ माइलेज इकोनॉमी भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले से काफ़ी बढ़िया हुआ है माइलेज इसका। और इसके अलावा इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। कलर वही ब्लैक कलर में आएंगे, और ये सिल्वर कलर है, सिल्वर ऑरेंज। इसके अलावा ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है, दो कलर में ये बाइक आपको मिल जाएगी। इसमें आपको मोटो GP एडिशन नहीं आएगा, उस केवल 200 में और 390 में RC में अवेलेबल है वो। इसमें आपको 124.7 CC का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्शन BS6 फेज टू इंजन मिल जाता है, जो 14.34 BHP का पावर प्रोड्यूस करता है 9250 RPM में, और 12 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 8000 RPM में। इसमें आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स मिल जाता है चेन ड्राइव के साथ। वेट मल्टीप्लेट क्लच इसमें यूज़ हुआ है, इसमें स्लीपर क्लच का कोई ऑप्शन नहीं है आपको। फ्रंट सेक्शन में आते हैं तो इसमें आपको UHD फॉक्स सस्पेंशन 43 mm का मिल जाता है। वहीं 320 mm का सिंगल डिस्क ब्रेक मिल जाता है, ये स्विचेबल ABS है। और 17 इंच का व्हील साइज के साथ 110 नंबर का टायर डला हुआ है, और रिम आपको ऑरेंज कलर का इसमें मिल जाता है। वही रियर सेक्शन में आते हैं हम लोग तो इसमें 230 mm का सिंगल डिस्क ब्रेक मिल जाता है बाइबर कैलिपर के साथ, और 17 इंच अलॉय व्हील के साथ 150 नंबर का पीछे टायर डाला हुआ है। वहीं मोनोशॉक क्रॉस सस्पेंशन इसमें लगा हुआ है सिंगल वाइट कलर का, और उसके बाद इसमें आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट मिल जाता है, और स्प्लिट सीट मिल जाएगा आपको RC 200 की तरह और 390 की तरह, जो कि थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है, काफ़ी ऊंचाई है सीट में। फ्यूल टैंक की बात करें तो 13.7 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, और 1.5 लीटर इसमें रिजर्व रहता है। और यहाँ पे आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाता है RC 200 390 की तरह, और इसमें फुल डिजिटल मीटर दिया गया है। और राइट साइड में आपको इंजन किल स्विच मिल जाएगा, सेल्फ स्टार्ट मिल जाएगा, और लेफ्ट साइड में अपर डिपर का लाइट इंडिकेटर का स्विच और हॉर्न का स्विच इसमें आपको मिल जाता है। वेट की बात करें तो इसमें आपको 160 kg का वेट मिलेगा, और सीट हाइट 824 mm का सीट हाइट मिलेगा, और ग्राउंड क्लियरेंस 158 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। और व्हील बेस आपको 1341 mm का व्हील बेस मिल जाता है, जो आगे चक्का से पीछे चक्के के बीच में दूरी है उसे व्हील बेस कहते हैं। और फाइनली इसकी प्राइस की बात करें हम लोग तो ये रांची झारखंड में 2,20,000 में अवेलेबल है ऑन रोड, और अदर स्टेट के भी प्राइस अप डाउन हो सकते हैं RTO और इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन चार्जेस के चलते। और KTM ने इसमें आपको 2 ईयर्स वारंटी दिया है, अगर आप इसे ले रहे हो तो आपको 2 ईयर्स की वारंटी मिलने वाली है, या फिर 30,000 किलोमीटर पे उसकी वारंटी आपको मिल जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो